ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आगामी त्योहारों रमजान उल मुबारक होली और ईद उल फितर के मद्देनजर कानून शांति व्यवस्था सफाई और पेयजल व्यवस्था बेहतर बनाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन पेश किया। पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहित फरगानी एडवोकेट के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित 4 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि 12 मार्च से रमजान शरीफ का महीना शुरू हो रहा है। 25 मार्च को होली और अप्रैल माह में ईद उल फितर का पर्व मनाया जाना है। किसी भी प्रकार से असामाजिक तत्वों द्वारा कोई व्यवधान ना डाला जाए, इसके लिए प्रदेश स्तर पर व्यवस्थाएं कराई जाए। आगामी त्योहारों के मद्देनजर खस्ताहाल सड़कों को गड्ढा मुक्त कराया जाए, नालियों और नालों की तली झाड़ सफाई कराई जाए, गलियों और सड़कों की सफाई और पेयजल की उचित व्यवस्था कराई जाए। असामाजिक तत्वों द्वारा प्रदेश की शांति व्यवस्था और सामाजिक सद्भावना के साथ खिलवाड़ का मौका न दिया जाए और साथ ही सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए, ताकि दोनों पर्व सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के साथ मनाए जा सकें। मांग उठाई गई कि विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखा जाए और पथ प्रकाश उचित व्यवस्था कराई जाए। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष मोहित फरगानी एडवोकेट और महानगर अध्यक्ष वकील रशीद एडवोकेट ने संयुक्त रूप से क्या कहा, ये सुनते हैं। ये आज आपके द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है, क्या मुद्दे? देखिए, कल से जो रमजान और मुबारक का पाक महीना शुरू हो रहा है और इसी दौरान 25 तारीख को होली का पर्व भी है और ईद उल फितर आने वाले अप्रैल के माह में है, तो हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कि इस दौरान जो है लाइट की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था और साफ़ सफाई की बेहतर व्यवस्था हो सके और ये पर्व जो है बिना किसी व्यवधान के मनाए जा सके, बेहतर तरीके से शांति व्यवस्था का पुख्ता इंतज़ाम हो और जो असामाजिक तत्व इसमें व्यवधान डालते हैं या डालने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए प्रदेश स्तर पर ऐसी व्यवस्था हो कि उन्हें जेल हो और ये पर्व शांति से आपसी भाईचारे से मनाया जा सके। जी, आज AIMIM द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है किन मुद्दों को लेकर? आज हमने मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी द्वारा एक ज्ञापन दिया है, जिसका नेतृत्व हमारे जिलाध्यक्ष नाम मोहित फरगानी एडवोकेट साहब ने किया। इसमें हमारी मांगें बहुत साफ साफ हैं कि एक तो सफाई व्यवस्था रहनी चाहिए, रमजान पाक का महीना शुरू हो गया है, फिर होली का पर्व भी है, फिर ईद उल फितर का पर्व भी आने वाला है, तो इसके मद्देनज़र सब चीज़ों की व्यवस्था बहुत दुरुस्त रहनी चाहिए, साफ़ सफाई रहनी चाहिए और जो असामाजिक तत्व रमजान के महीने में और ख़ास तौर से मगरिब के टाइम जो रोज़ा अफ्तारते हैं उसको जो माहौल ख़राब करते हैं, उन असामाजिक तत्वों पर बहुत गहरी नज़र रखनी चाहिए और उनको अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको जेलों में ठूसा जाए, उनके ऊपर ये दहशत रहनी चाहिए कि अगर हमारे शहर का माहौल ख़राब किया, हमारे ज़िले का माहौल ख़राब किया, हमारे प्रदेश का माहौल ख़राब किया तो सलाखों के पीछे सब सड़ेंगे। आगामी त्योहारों पर सफाई व्यवस्था, पेयजल और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पेश किए गए ज्ञापन के विषय में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने क्या कहा? कुछ संगठनों द्वारा व्यवस्थाओं को लेकर हमारे पास आए, संगठन के लोग भी आए थे, इससे पहले भी हम लोगों ने शांति समिति की बैठक की थी, उसमें विभागों को बुलाया था, उनके निर्देश जारी किए गए थे, लिखित निर्देश भी जारी कर दिए गए, शासन से भी निर्देश जारी किए गए और मैंने जो मुख्य विभाग हैं उनसे मैंने वार्ता कर ली है, उनको सफाई व्यवस्था सुनिश्चित है, निर्बाध रूप से विद्युत की व्यवस्था बनी रहे, ये सबके निर्देश हैं और उनका अनुपालन किया जाए। इस दौरान अतिकुर रहमान, फहीम बेग, तालिब मलिक, शारिक हुसैन, मोहम्मद अनस सैफी रेहान, डॉक्टर मोहम्मद आकिब नाजिम एवं जकी रायनी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे।